हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारी डेली रूटीन की कुछ आदतों की वजह से हमारे दांतों की शेप ख़राब हो जाती है। हम खुद अपने दांतों की शेप को ख़राब कर देते हैं। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों पे पेचेस बन जाने, छेद हो जाना, शिफ्टिंग होनी, ये सब हमारी ही कुछ आदतों की वजह से ख़राब होते हैं। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि वो कौन सी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों की शेप ख़राब हो जाती है और हम इससे कैसे बच सके ताकि हमारे दांतों की शेप सही रहे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांतों की जो शेप है वो कैसे ख़राब होते हैं हमारी ये कुछ गलत आदतों की वजह से। इसकी शुरुआत हम करेंगे हमारे बचपन से, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिनकी वजह से उनकी दांतों की शेप है वो ख़राब हो जाती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है थंब सकिंग, यानी कि अंगूठा चूसना। कुछ हद तक अंगूठा बचपन में 4-6 महीने साल भर तक चूसते हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में लंबे समय तक अंगूठा चूसने की आदत होती है जिसकी वजह से उनका जो ये फ्रंट के जो 2 टीथ होते हैं उन पे दबाव पड़ता है और वो आगे की तरफ आ जाते हैं। साथ ही ये जो पोर्शन होता है वो भी थोड़ा ऊपर हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, जिससे देखने में अजीब सा लगने लग जाता है। और हम खुद ही, क्योंकि पेरेंट्स है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा रो रहा है अच्छा अच्छी बात है ये थंब सकिंग करेगा तो इस चुप रहेगा, बहुत सारे पेरेंट्स अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं तो इस चीज़ का वो ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से बच्चे के दांत का शेप है वो ख़राब हो जाता है और टीथ है वो आगे की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा बोटल फीडिंग, बोटल फीड वैसे तो डॉक्टर सब लोग मना करते हैं कि बोटल फीड कभी नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसके अलग ही इसके नुकसान होते हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी में पेरेंट्स जो होते हैं उनको बच्चों को बोटल फीड कराना पड़ता है क्योंकि बच्चा पूरा अच्छे से दूध नहीं पी पाता डायरेक्ट ग्लास से या कप से, तो इस वजह से हमें बोटल फीड करना पड़ता है। लेकिन उसका भी उसके नुकसान होते हैं, उसके नुकसान में यही है कि उसके जो टीथ होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। जनरली अगर बॉटल्स का जो दूध है वो मुंह में पूरी रात रह जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि दांत आगे की जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो पूरे ख़राब हो जाते हैं, उनमें कैविटीज़ हो जाते हैं, इंसिपिएंट कैरीज बोलते हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हो फोटो में इस टाइप से पूरे दांत है वो आगे के ख़राब हो जाते हैं। और अगर प्राइमरी टीथ ख़राब हो जाएंगे, पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, तो परमानेंट टीथ है जब वो इरप्ट होते हैं तो उनको जगह जगह मिल जाते हैं क्योंकि अर्ली टूथ लॉस हो जाता है, पहले ही दांत खराब हो जाएंगे निकल जाएंगे तो क्या होएगा वहाँ पे खाली जगह होगी, तो परमानेंट टीथ को वहाँ पे जगह मिल जाती है और उन वह जगह मिल जाए तो पहले जो टीथ आना चाहिए वो उसकी दूसरी जगह आ जाता है और ऐसे करके आपकी शेप अब वो पूरी ख़राब हो जाती है और दांत है वो टेढ़े मेढ़े आने लग जाता है जिसकी वजह से हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं सीधे करने के लिए। तो इसलिए हमारे टेढ़े मेढ़े दांत आने का सबसे मेन कारण है अर्ली टूथ लॉस, यानी पहले ही समय से पहले दांतों का ख़राब होना, प्राइमरी जो टीथ है। इनकी वजह से आपके बचपन के जो कुछ आते होते हैं जिनकी वजह से टीथ है उनकी शेप ख़राब हो जाती है। अब चलते हैं बड़े, थोड़ा सा मतलब बड़े होने के बाद क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे जो टीनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको हैबिट होते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त अपनी पेंसिल या पेन को अपने दांतों के नीचे चबाने लग जाते हैं, मुँह में डाल के रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो मुँह में पेंसिल या पेन रखते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं कि वहाँ पर जो दांत होता है उसकी जो इनेमल होती है उसके ऊपर रेगुलर अगर रहेगा कोई चीज़ तो वहाँ पे ऐसे लाइन सी बन जाती है। इसके अलावा अगर आप मुंह में पेंसिल रखोगे तो अभी आपके बहुत बड़े नहीं हो, आपके दांत है वो अच्छे से पके नहीं है, ये जो ग्रोथ है वो अभी चल रही है, मतलब आपकी ग्रोइंग है, मतलब आपकी ग्रो हो रही है हड्डी है वो, तो इस वजह से क्या होता है शेप में मुंह में ऐसे बार बार पेंसिल रखोगे तो वहाँ की जो शेप है वो भी ख़राब हो जाती है, तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा है कुछ लोगों में टीथ
कुछ लोगों में टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है, मतलब कि दांत पीसने की हैबिट होती है। रात को सोते वक्त बच्चे हैं वो मोस्टली दांत पीसते हैं, तो ये जो दांत पीसने की हैबिट होती है उसकी वजह से क्या होती है कि ऊपर की जो इन्हें मतलब पीस घिसने की वजह से क्या होता है, एकदम वो शेप है वो मतलब जो दांत की जो शेप होनी चाहिए वो नहीं होती, वो घिस जाता है, जिसकी वजह से एकदम शार्प हो जाते हैं टीथ। और यही कारण होता है टीथ का, टीथ की जो शेप है वो चेंज होने का। ये तो है टीनेजर की बात। बहुत बार ओनली टीनेजर में नहीं, ये जो टीथ ग्राइंडिंग की जो हैबिट है वो बड़े लोगों में भी यानी यंग अडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा देखी गई है, तो उन लोगों की भी शेप है वो इसकी वजह से ख़राब होती है। दूसरी हैबिट है कि अगर आपके दांत में कोई कैविटी है, समय पे हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांत में कोई कैविटी हो गई है और आपने कैविटी की ट्रीटमेंट कराने के बजाय टूथ निकलवाना बेटर समझा है, तो अगर आप वहाँ पे दांत निकलवा लेते हो और दूसरा दांत नया दांत नहीं लगाते हो, तो इसकी वजह से भी आपका जो पास का दांत है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे उसको जगह मिलेगी, टूथ हमेशा अपनी जगह हल्के हल्के मतलब हिलता रहता है, मोबिलिटी होती है टीथ में, तो वो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके दांत में कोई कैविटी है तो उसको ट्रीटमेंट करवाए, फिल करवाइए, और अगर आपको बाय चांस किसी रीजन की वजह से दांत निकलवाने की नौबत आ गई है तो वहाँ पे नया टूथ लगवाइए, ताकि दांत है वो शिफ्ट ना हो और अपनी जगह पे ही रहे। तो एक तो ये हैबिट होती है। बहुत सारे लोगों में जीभ को बाहर निकालने की, जीभ अपने दांतों पे ऐसे लगाने की हैबिट होती है, तो उसकी वजह से भी उसके उनके जो फ्रंट टीथ है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको प्रेशर फील होता है, उसकी वजह से क्या होता है धीरे 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 बहुत टाइम थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि उसी दिन आपके दांत है वो अंदर चले जाएंगे या शेप ख़राब हो जाएगी, समय के साथ ख़राब हो जाता है। बहुत सारी लेडीजेज होती है जो सुई से काम करती है, मतलब सिलाई का काम करती है, बहुत सारे सुई का यूज़ करते हैं सिलाई वाली, तो वो उनको ना ये जो सुई होती है वो मुंह में नीडल है वो मुंह में ऐसे रखने की हैबिट होती है, कुछ भी काम किया नीडल मुंह में ली और काम करने लग जाती है, तो उससे जो नीडल से उनकी जो पूरा इनेमल का जो पोर्शन होता है वहाँ पे ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, तो उनकी भी शेप है दांतों की वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जो तंबाकू गुटखा का जो सेवन करते हैं उन लोग, वो जो जैसे ही वो तंबाकू गुटखा का सेवन करेंगे तो उनके दांत है वो पूरे घिस जाते हैं, उनकी जो कस्प होती है दांतों की वो सारी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से दांत है वो छोटे छोटे हो जाते हैं और पूरे मतलब पोर्शन ही खत्म हो जाता है, आप स्माइल करोगे तो आपके दांत है ही नहीं, वो हल्के हल्के लगने लग जाते हैं, तो दांत पूरे घिस जाते हैं और उनकी शेप अब वो पूरी खराब हो जाती है। ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके दांत है दांतों की शेप है वो ख़राब हो जाते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं बट मेनली यही रीज़न होते हैं जिनकी वजह से टीथ है वो खुद की गलत आदतों की वजह से ख़राब होते हैं। अब आपका इसका रोकने का यही उपाय है कि अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो उसको बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ही दांतों की शेप ख़राब होगी। अपने बच्चों का स्पेशली पेरेंट्स को केयर करनी चाहिए कि अगर वो थम सकिंग कर रहे हैं तो उनको एक लिमिट तक ही उनकी ये हैबिट होनी चाहिए। बॉटल फीड में ध्यान रखना है आपको कि मुँह में दूध ज़्यादा टाइम तक न रहे, और टीथ ग्राइंडिंग की अगर प्रॉब्लम है तो आपको माउथ गार्ड, जो नाइट गार्ड आते हैं उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को नाइट गार्ड देना चाहिए, आप खुद अगर टीथ ग्राइंडिंग करते हो तो आपको खुद को नाइट गार्ड यूज़ करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर और अगर आपको कैविटी की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चों के या आप अपने खुद के दांतों के शेप को ख़राब होने से बचा सकते हो, और जो इसके बड़ा ट्रीटमेंट होता है जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, इम्प्लांट, ये बड़े जो प्रोसीजर है उनसे आप बच सकते हो। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।